नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदाता जागरूकता को लेकर वीकेएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने निकाली रैली, लोगों को मतदान के लिए किया प्रेरित। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर, प्रत्याशियों के खर्च पर रखी है पैनी नजर। चुनाव आयोग ने संभागीय परिवहन से मांगे 6,000 वाहन, आरटीओ सुरेंद्र कुमार ने दी जानकारी। देहात से पीस पार्टी के प्रत्याशी सौलत अली का पर्चा खारिज होने से समर्थकों में भारी रोष, कचहरी परिसर में जमकर किया हंगामा। कड़घर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चोरी के मोबाइलों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। मंगलवार को वीकेएस पब्लिक स्कूल की ओर से मतदान की जागरूकता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। लाइन पार्क के विभिन्न इलाकों में 15 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए छात्र छात्राओं ने लोगों को प्रेरित किया। मंगलवार को लाइन पार्क के वीकेएस पब्लिक स्कूल की ओर से 15 फरवरी को होने वाले मतदान की जागरूकता को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने लाइन पार्क के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को प्रेरित किया। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य पूनम सहानी ने बच्चों को आशीर्वचन देकर उनकी प्रशंसा की। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमें मतदान जरूर करना चाहिए। अगर हम मतदान नहीं करते तो उसका दुरुपयोग हो सकता है हमारे मत का। अगर हम मतदान करते हैं तो हम लोकतांत्रिक भारत को और अच्छे विकास पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? सबसे अपील करना चाहूँगी मैं कि मत जरूर डालने जाएं। और ये रैली इसीलिए निकाली गई है कि हमारे आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं वो सब जागरूक हो जाएं और हम उनको ये प्रेरणा दे सकें कि मतदान बहुत जरूरी है। इस दौरान पूनम मेहरोत्रा, गीता गुप्ता, गरिमा भटनागर आदि ने प्रतिभाग किया। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ रूप से कराने को प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी के व्यय पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी मुख्य कोषाधिकारी संजय कुमार राय ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी है। प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब जो है व्यय का क्या कार्य प्रारंभ हो चुका है? आज दिनांक 31 को जो है प्रत्याशियों को लेखा प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था लेखा टीम द्वारा, और प्रत्याशियों को आज लेखा प्रदान करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। दूसरी चीज़ है कि अब प्रत्याशियों पर विशेष निगाह रखी जा रही है कि उड़न दस्ते और स्थायी निगरानी टीम के द्वारा कि कोई कहीं पे भी नगद धनराशि, शराब या हथियार, इन चीज़ों की कोई आवाजाही ना हो। और जो लेखा टीम का लेखा कार्यक्रम है वो देखने का अगला 3 तारीख को है। 4 तारीख को व्यय प्रेक्षक महोदय द्वारा 4 और 5 को लेखे की स्क्रूटनी, पहली स्क्रूटनी की जाएगी। सर, कोई डेट भी रखी गई है इसमें जो स्क्रूटनी चल रही है इस समय? हाँ, 4 और 5 तारीख का स्क्रूटनी की डेट रखी गई है। वो फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा और दूसरा इंस्पेक्शन 7 और 8 तारीख को होगा और तीसरा इंस्पेक्शन 11 और 12 तारीख को व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जाएगा। कोई सर अपील करना चाहेंगे जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनसे? समस्त प्रत्याशियों से अपील है कि वो जो व्यय की निर्धारित सीमा है 28 लाख तक, उसके सीमा के अंदर जो है अपने व्यय को सीमित रखें, तथा दूसरी चीज़ कि व्यय की सीमा को देखते हुए अधिक से अधिक जो खर्च है वो चेक के माध्यम से करें और नगद धनराशि का कम से कम व्यय करें।
विधानसभा चुनाव 2017 को निर्विघ्न रूप से आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग ने संभागीय परिवहन विभाग से 6,000 वाहनों की मांग की है। इसकी अधिक जानकारी आरटीओ मुरादाबाद सुरेंद्र कुमार ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी है। नहीं, हमारे यहाँ जो पूरे मंडल का हम डाटा बता रहे हैं आपको कि लाइट व्हीकल जो है, जिसमें कि टैक्सी कार और ये जीपें आती हैं, वो 3,609 वाहनों की डिमांड है। और मीडियम में जो गुड्स व्हीकल हैं उनकी 550 गाड़ियों की डिमांड है। और हैवी व्हीकल्स में जो है तो करीब 2400 गाड़ियों की डिमांड हमारी पूरे मंडल में है। उसका अगर ब्रेकअप चाहे तो हम जिलेवार भी बता सकते हैं या आपको दे देंगे। और टोटल हमारी 6,525 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है पूरे मंडल पूरे 500 जिलों में। सर, क्या इनमें कोई गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियों को मांगी गई, जैसे जैसे मेरे पास कोई गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उनसे भी गाड़ी ली जाएगी मालिकों ने? नहीं, जो चूँकि लाइट व्हीकल हमारी जो है वो कम है, चूँकि सरकारी वाहन भी कम है हर जिलों में, और जो है जो हमारी टैक्सी और जीप ये कमर्शियल व्हीकल ये भी कम है लाइट व्हीकल, तो इसलिए हम निजी वाहनों का भी अधिग्रहण कर रहे हैं मैक्सिमम, और उनको न्यूनतम ही उसमें करेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है उसी के अनुरूप हम उसको कर रहे हैं कि कम से कम वाहनों को हम अधिकृत करें और जिससे कि जनता को भी असुविधा न हो। मुरादाबाद देहात से पीस पार्टी के प्रत्याशी सौलत अली का पर्चा खारिज होने पर उनके समर्थकों ने कचहरी पर जमकर हंगामा किया। पुलिस के समझाने के बाद ही समर्थक शांत हुए। विगत सोमवार को विधानसभा प्रत्याशियों के पर्चों की जांच का अंतिम दिन था, जिसमें 27 विधानसभा मुरादाबाद देहात से पीस पार्टी के उम्मीदवार सौलत अली का पर्चा खारिज हो गया, जिसको लेकर सौलत अली के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा काटा। हद तब हो गई जब समर्थक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस के काफी समझाने के बाद समर्थक कम से कम आप ये बता दे क्या ये पर्चा किस किसी पुलिस आपको खारिज हुआ? उनसे कहा साहब कैंसिलेशन दे रहे, ना तो कैंसिलेशन दे रहे और ना ही वजह बता रहे। मंगलवार को हिंदू कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग की ओर से गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया। हिंदू कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग की ओर से नृत्य व गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयानंद कॉलेज की अध्यापिका डॉक्टर रीना मित्तल मौजूद रही। इस मौके पर कॉलेज के गणमान्य शिक्षक बंधु डॉक्टर संजीव राजन, संजय रस्तोगी, डॉक्टर आनंद कुमार, सुषमा पाल आदि मौजूद रहे। मनोविज्ञान परिषद के द्वारा एकल गायन और एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रतिभाओं से हम लोग परिचित हों और वो स्वयं भी अपनी प्रतिभाओं से परिचित हों, जिससे कि वो आगे अपना इस क्षेत्र में भी अगर भविष्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात ये होती है कि अगर हम आजकल के समय में जो ये सिनेरियो चल रहा है इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे अवसाद और ओवर एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, तो संगीत के माध्यम से वो अपनी और मानसिक और अन्य प्रकार की जो भी परेशानियाँ हैं उससे भी वो अपने आप को सेटल कर पाएंगे, इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। मंगलवार को गोकुलदास सेवानिवृत्त प्रवक्ता परिषद की मासिक बैठक लवीना रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर संतोष अग्रवाल ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन सह सचिव एवं अतिथि डॉक्टर प्रभा कपूर ने किया। बैठक में इस दौरान देश के चुनावों में दल बदलुओं को किसी भी पार्टी में टिकट नहीं मिलना चाहिए, इस विषय पर चर्चा की गई। कहना चाहिए बौद्धिक खेल है, सबको मौका मिलना चाहिए, सब में प्रतिभा है, सब में सृजनात्मकता है, और इसी प्रकार व्यक्तिगत प्रस्तुतियों को भी हम एक नया आकार दे सकते हैं। इस मौके पर संरक्षिका डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डॉक्टर बाला अग्रवाल, डॉक्टर संतोष अग्रवाल, डॉक्टर इंदिरा रानी आदि का सक्रिय योगदान रहा। मेरे हिसाब से तो बजट में जो पिछड़े हुआ वर्ग है, किसान हैं, जैसे कहा है मोदी जी ने कि उनका ऋण माफ होना चाहिए, सस्ते पे ऋण मिलना चाहिए,
और गाँव में स्वच्छता के लिए पक्की सड़कें होनी चाहिए और बिजली हर गाँव में होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है शिक्षा। बिना शिक्षा के ना तो कोई वोट दिया जा सकता, ना ही उसके कोई सफलता की कोई गारंटी हो सकती है, इसलिए शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। कटघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चोरी के मोबाइलों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा एसपी सिटी अभिषेक यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीती रात कटघर पुलिस गुलाबबाड़ी चुंगी पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा पुलिस को चोरी की बाइक पर एक बदमाश के आने की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर शाहनवाज उर्फ शानू को हिरासत में ले लिया है। जामा तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा और चोरी का माल बरामद किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नईम और आसिम को गिरफ्तार किया है। पूरे गैंग का खुलासा एसपी सिटी अभिषेक यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। पहले कटघर थाना क्षेत्र में 99 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे, और उसके संबंध में एक टीम बनाई गई थी जो इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स की चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर काम करने के लिए सर्विलांस की मदद से और क्राइम टीम की मदद से, और थाना कटघर की क्राइम टीम अलग से बनाई गई थी जो इस पूरी घटना को वर्कआउट कर सके। तो इसमें एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके साथ साथ 28 मोबाइल फ़ोन, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 अदद तमंचा, ये सब रिकवर करा गया है। और इनके द्वारा इस तरह से गैंग बनाकर मोबाइल फ़ोन चोरी करे जाते थे, तो इसमें टीम ने वर्क करके लोगों को गिरफ्तार किया है और ये रिकवरी करी है। सर, किस तरीके से इन्होंने चोरी को अंजाम दिया था? देखिए, बेसिकली ये एक आदमी जो कुरियर वाला था वो इस मोबाइल फ़ोन को लेके जा रहा था, तो उससे इन्होंने इस पूरी चीज़ को चुराया है। और इसमें पुलिस अभी आगे भी जांच कर रही है, इनका एक साथी फरार भी है, और इसके अलावा भी जो कुरियर वाले लोग रहते हैं उनके ऊपर भी पुलिस की टीम लगी हुई है, उनकी भी अच्छे से डिटेल से जांच करी जा रही है कि उनका क्या रोल था, क्या इन्वॉल्वमेंट था। और इस तरह की घटनाओं में अमूमन ये देखा जाता है कि उनकी सूचना देने में रोल रहता है। इससे पहले भी जो कुरियर के लोग रहे हैं, जो पहले भी नौकरी किया करते थे, उनके ऊपर भी हम लोग अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं ये चेक करने के लिए कि क्या उनमें से किसी ने सूचना दी, क्या रोल रहा, कैसे इन लोगों को ये पता लगा कि मोबाइल फ़ोन्स लेके वो कुरियर वाला जा रहा है। सर, जो पकड़ में आया, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, लेकिन सबका आपराधिक इतिहास भी है, इसमें कभी कभी फरार भी है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था जिसकी निशादेही पे और जिसकी लीड पे पूरी टीम ने काम किया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कांट रोड पर एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। उधर परिजन ससुरालियों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाने वाले ही जान लेने के ग्राहक बन जाते हैं, ऐसा एक मामला संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है। दरअसल चंदौसी के हनुमानगढ़ी निवासी चंद्रपाल के बेटे सोहन की शादी विगत 4 साल पहले बदायूं जिले के फैजगंज थाना क्षेत्र स्थित टोड़नपुर निवासी डालचंद्र की बेटी गंगा के साथ हुई थी। विगत 19 जनवरी से वह मायके में रह रही थी। विगत रविवार को सोहन उसे बुलाने ससुराल गया था, उसी दौरान कलियुगी पत्नी ने उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया। मृतक ने पूरी गाथा परिजनों को फोन पर बता दी। मीना और गंगा रहे कहा है तू? इस पर गाँव आ रहे ना, घर से निकाल के बाहर फेंक दो मेरे तक। कहा है तू इस समय? आज उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। इनसे फोन जो हो रहा है, इन्होंने फोन करा हमारे पास, उसके गांव से कोई फोन ना आया हमारे पास, तो इन्होंने फोन कराया, तब हमने एक लड़के को लेके तब गए मोटरसाइकिल से। जब आप वहाँ पहुँचे आपने किस हालत में देखा? किस हालत में? कुंदी बंद थी, चारपाई पे पड़ा था जी। मंदिर में? मंदिर में ना, घर पे, उन्हीं के घर पे किवाड़ लगा दी थी। तो इनकी मौत कहाँ पे हुई? मौत तो जी अस्पताल में हुई है, 3 अस्पतालों के बाद में हुई है मौत। तो चंदौसी एडवोकेट कराया इसे हमने लाके। इसकी पत्नी कब से थी मैके में? पत्नी तो 19 तारीख से। अच्छा, क्यों गई थी? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ था? बगर कहे सुने चली गई सुबह को दवाई लेने के बाद। मंगलवार को जिला महिला चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। आए दिन जिला महिला अस्पताल विवादों को लेकर चर्चा में रहता है, जिसकी एक बानगी आज देखने को मिली। दरअसल कांट थाना क्षेत्र के बेगमपुर निवासी फारूक की पत्नी रिहाना प्रसव पीड़ा के चलते जिला महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। आज रिहाना के मृत बच्चा पैदा हुआ। परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है, समय से उपचार हो जाता तो ये घटना कारित नहीं होती। फिलहाल परिजनों ने पूरे प्रकरण की जानकारी पुलिस को दे दी है। अब तो आपकी ड्यूटी, आप कुछ देख लो, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं होता तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। मैं लिख के भी दे सकता हूँ, मैं साइन भी कर रहा हूँ। मेरे भाई, कब हुआ बच्चा आपकी?
बच्चा कब हुआ? रात 4 बजे। तो बच्ची मौत कब हुई? रात में तो हमें डेड बॉडी दी बच्चे की जब या तो ये मानते हो कि अगर वक्त से उसका ऑपरेशन हो जाता तो बच्चे बच सकता? हाँ, हम ये मानते हैं। जब हम 4 बजे हम शाम को कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चे का हमारे मैडम का ऑपरेशन कर दो। अस्पताल की लापरवाही रही है, लापरवाही रही है, अस्पताल की लापरवाही। मंगलवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मुरादाबाद रेफर किया गया है। भोजपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक और बस आपस में भिड़ गई। इस दुर्घटना में एक पुरुष और 2 महिला घायल हो गई। सभी घायलों को मुरादाबाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बहुत हो गए हैं। एक बच्चा मरने से बच गया। अच्छा। और टांग टूट हुई है। और आपके परिवार के कौन कौन था? हमारे ताऊ की टांग टूट हुई है। अच्छा। और चोट लगी थी टांग में भी, एक टांग। ये किस चीज से हुआ था? ये टिलारी से बता रहा है। टिलारी से? क्या टिलारी आ गई थाने पे? अभी तो नहीं। मंगलवार को श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के दूसरे दिन बानुबाग में कथाव्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज ने गुरु महिमा के साथ भावना और भक्ति की सुंदर कथा सुनी। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के द्वारा बानुबाग में आयोजित माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के दूसरे दिन कथाव्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज ने श्री राम कथा का शुभारम्भ किया। उन्होंने गुरु एवं नाम महिमा के साथ भावना भक्ति की सुंदर व्याख्या की जिसको सुनकर सभी भक्त भक्ति में खो गए। जीवन में संबंधों की कोई मर्यादा नहीं है। वो उस पवित्र का अपने से समझ सकते हैं। भारत में मलेच्छों के प्रति यवनों के प्रति इतनी घृणा थी कि लोग उनके हाथ का छूना तो दूर उनके घर का भी पानी नहीं पी सकते थे। इतनी अपवित्रता। वाला अलाउद्दीन जिसने अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत तक के समस्त तीर्थों को भ्रष्ट किया तोड़ा और उस महारानी के साथ। अभी क्या होता है कि कोई भी कम्युनिस्ट कोई भी ऐसा तारकासुर वाली विचारधारा का लेकर कुछ भी देखने लगता है और उस पर आप फिल्म बना रहे हैं। पद्मावती देश की हीरो, उनके जौहर की कहानियां पूरे राजस्थान में गौरव के साथ गाई जाती है। और ये वहां नहीं हुआ, पंजाब में हुआ। पंजाब के लोगों से पूछिए जिस समय नहीं पढ़ने दिया। कश्मीर पर राजौरी में जाइए, राजौरी में कुआ है। इस दौरान कथा में राजीव अग्रवाल, नरेश सक्सेना, मुकेश कौशिक, मधु सक्सेना आदि भक्तगण मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। SS न्यूज डिजिटल के संस्करण में इतना ही। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम मुरादाबाद की उम्मीदें बजट 2017 1 फरवरी की रात 9 बजे। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदाता जागरूकता को लेकर VKS पब्लिक स्कूल के बच्चों ने निकाली रैली, लोगों को मतदान के लिए किया प्रेरित। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर, प्रत्याशियों के खर्च पर रखी है पैनी नजर। चुनाव आयोग ने संभागीय परिवहन से मांगे 6,000 वाहन, RTO सुरेंद्र कुमार ने दी जानकारी। देहात से पीस पार्टी के प्रत्याशी सौलत अली का पर्चा खारिज होने से समर्थकों में भारी रोष, कचहरी परिसर में जमकर किया हंगामा। कड़घर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चोरी के मोबाइलों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार।